किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत होती है, जिसके रिस्पेक्ट में हम उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन और मोशन को डिफाइन कर सकें। नॉर्मली किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को बताने के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का यूज़ करते हैं, बट यह कोऑर्डिनेट सिस्टम केवल ऑब्जेक्ट की स्पेस में पोजीशन को बताने में कैपेबल है। यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से सिर्फ ऑब्जेक्ट के स्टैटिक पोजीशन बताए जा सकते हैं, ऑब्जेक्ट टाइम के साथ कैसे मूव कर रहा है यह इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से नहीं बताया जा सकता। ऐसे में एक ऐसे मेथड की ज़रूरत है जो अलग अलग टाइम पर ऑब्जेक्ट की स्पेस में पोजीशन को बता सके। इसके लिए नॉर्मल टू डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के वाई एक्सिस को टाइम के एक्सिस से रिप्लेस कर देते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है यानी कि मूव नहीं कर रहा है, तो वह टाइम टी इक्वल्स टू जीरो, टी इक्वल्स टू वन, टी इक्वल्स टू टू सभी टाइम पर सेम पोजीशन पर ही रहेगा। ऐसे में वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ऐसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है जो रेस्ट में है। वहीं अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सेकेंड में एक मीटर का डिस्टेंस राइट साइड की ओर ट्रेवल करता है, तो वह 45 डिग्री एंगल पर एक लाइन से रिप्रेजेंट होता है। यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि हम ये नहीं कह रहे कि ऑब्जेक्ट टू डायमेंशनल स्पेस में मोशन कर रहा है, बल्कि 45 डिग्री लाइन एक ऐसे ऑब्जेक्ट के मोशन को रिप्रेजेंट करती है जो वन डायमेंशन में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, और यह डायग्राम ऑब्जेक्ट के अलग अलग टाइम पर पोजीशन को बता रहा है। ऑब्जेक्ट जिस तरह टाइम के गुजरने के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज करेगा, वैसे वैसे यह उसकी पोजीशन को बताता जाएगा। इसे एक स्नैपशॉट की तरह कह सकते हैं, जिसमें हम ऑब्जेक्ट की अलग अलग टाइम पर स्नैपशॉट लेते हैं। किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को रिप्रेजेंट करने के इस ज्योमेट्रिक तरीके को स्पेस टाइम डायग्राम कहते हैं। यह ध्यान रखें कि स्पेस टाइम डायग्राम में किसी ऑब्जेक्ट का पाथ उसके मोशन की एक तरह से रिकॉर्डिंग है। इन पाथ्स को वर्ल्ड लाइन कहते हैं, क्योंकि यह बताता है कि ऑब्जेक्ट किस टाइम पर वर्ल्ड में कहाँ था। वर्ल्ड लाइन के किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट होते हैं, टी और एक्स, जो बताते हैं कि किसी टाइम टी पर ऑब्जेक्ट एक्स पोजीशन पर था। इसे समझने के लिए एक स्प्रिंग मास सिस्टम का स्पेस टाइम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। स्प्रिंग मास सिस्टम में स्प्रिंग टाइम के साथ साथ सिकुड़ता और फैलता रहता है, जिसकी वजह से मास एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस करता है। इस सिस्टम की वर्ल्ड लाइन स्पेस टाइम डायग्राम पे एक सिनोसाइडल वेव बनाती है। अगर कोई ऑब्जर्वर इस स्पेस टाइम डायग्राम के सभी टाइम पर एक्स इक्वल्स टू जीरो पोजीशन पर रेस्ट में बना रहता है, तो वह एक ऐसा वर्ल्ड लाइन ट्रेस करता है जो टाइम एक्सिस से कोइंसाइड होती है। एक्चुअल में यह उस ऑब्जर्वर के मोशन को बताता है जो बाकी के इवेंट को ऑब्जर्व कर रहा है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि दो ऑब्जर्वर ए और बी हैं। ऑब्जर्वर ए रेस्ट में है और बी किसी वी वेलोसिटी से राइट साइड की ओर मोशन में। तो चूंकि ऑब्जर्वर ए रेस्ट में है, तो इसका वर्ल्ड लाइन टाइम एक्सिस के साथ कोइंसाइड होगा। वहीं ऑब्जर्वर बी ए के रिस्पेक्ट में वी वेलोसिटी से राइट साइड की ओर मूव कर रहा है, तो इसका वर्ल्ड लाइन राइट साइड में होगा। इसका मतलब यह है कि वर्ल्ड लाइन ए ऑब्जर्वर ए के मोशन को बता रहा है और वर्ल्ड लाइन बी ऑब्जर्वर ए के रिस्पेक्ट में बी के मोशन को। लेकिन अगर ऑब्जर्वर बी के रिस्पेक्ट में देखें, तो वह खुद को रेस्ट में और ए को वी वेलोसिटी से ही लेफ्ट साइड की ओर मूव करते हुए ऑब्जर्व करेगा। तो ऑब्जर्वर बी के अकॉर्डिंग उसके खुद की वर्ल्ड लाइन टाइम एक्सिस पर और उसके रिस्पेक्ट में ए का वर्ल्ड लाइन लेफ्ट साइड की ओर होगा। इसका मतलब है कि जो ऑब्जर्वर इवेंट्स को ऑब्जर्व कर रहा है, उसका वर्ल्ड लाइन हमेशा टाइम एक्सिस पर होगा। सभी ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग स्पेस टाइम डायग्राम ड्रॉ करने से अच्छा है कि किसी एक ऑब्जर्वर के लिए इसे ड्रॉ करके बाकी के लिए ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए। अगर हमने ऑब्जर्वर ए के रिस्पेक्ट में स्पेस टाइम डायग्राम ड्रॉ किया है, तो ऑब्जर्वर बी के लिए इसे ट्रांसफॉर्म करने के लिए ऑब्जर्वर बी का वर्ल्ड लाइन टाइम एक्सिस पर लाना होगा। स्पेस टाइम डायग्राम को इस तरह ट्रांसफॉर्म करके एक ऑब्जर्वर से दूसरे ऑब्जर्वर के लिए ट्रांसफॉर्म करने को लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि स्पेस टाइम डायग्राम को कैसे लॉरेंस ट्रांसफॉर्म किया जाता है।